2019 में आर्टिकल 370 तीन तलाक और 2024 में राम मंदिर जो जो कहा सब किया। अब UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात जैसी ही शुरू हुई विपक्ष के छातियों पे तो सांप लौटने लगा, मानो जैसे उन्हें छाछ बोल के पेट्रोल पिला दिया हो। आइए जानते हैं क्या है सिविल कोड और क्या होंगे इसके फायदे। यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC का मतलब एक देश एक कानून, यानी देश में रहने वाले सभी नागरिकों हर धर्म जाति जेंडर के लोगों के लिए एक कानून होगा। अगर सिविल कोड लागू होता है तो शादी तलाक बच्चा अडॉप्ट करना और संपत्ति के बंटवारे जैसे सभी सब्जेक्ट में नागरिकों के लिए एक से कानून होंगे। संविधान के चौथे भाग में स्टेट के डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉलिसी के बारे में बताया गया है, जिसके आर्टिकल 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी कि UCC करना सरकार का दायित्व है। आर्टिकल 44 उत्तराधिकार संपत्ति अधिकार शादी तलाक और बच्चे की कस्टडी के बारे में समान कानून का कॉन्सेप्ट बेस्ड है। वैसे भारत में केवल गोवा एक ऐसा स्टेट है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। सवाल ये है कि गोवा में ये कैसे लागू है? क्या दुनिया के किसी और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? अगर भारत में इसे लागू कर दिया जाता है तो इसके क्या रिजल्ट होंगे? भड़काने के लिए कहा जा रहा है कि इससे किसी खास धर्म को नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इस लॉ से मुस्लिम को जितना फायदा होगा जैसे कि तीन तलाक और अगर तलाक के बाद कॉम्पनसेशन देना, एक टाइम एक ही शादी करना, ये सारी चीजें हमारी मुस्लिम बहन और बेटियों के लिए काफी राहत देने वाला कानून है। जब आजादी से पहले अंग्रेज भारत पर राज करते थे, भारत को लूटने आए थे कानून के नाम पर, उन्होंने कमर्शियल लॉ क्रिमिनल लॉ पर काम किया, पर सिविल लॉ को कुछ खास ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। देश में सबसे पहले डिस्कशन 1835 में शुरू हुई थी। देश में ब्रिटिश सरकार ने 1835 में UCC की कॉन्सेप्ट को लेकर एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें क्राइम्स एविडेंस जैसे सब्जेक्ट पर भारतीय कानून के यूनिफॉर्मिटी इन कोडिफिकेशन लाने की बात कही गई थी। हालांकि उस रिपोर्ट में हिंदू व मुसलमानों के पर्सनल लॉ को इस यूनिफॉर्मिटी से बाहर रखने की सिफारिश की गई थी। हालांकि जब व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानून की संख्या बढ़ने लगी तो सरकार को 1941 में हिंदू कानून को कोडिफाई करने की BN राव कमेटी बना दिया गया। इसी कमेटी की सिफारिशों के बेस पर हिंदू बौद्धों और जैन और सिखों के लिए इंटर स्टेट सक्सेशन से संबंधित कानून को संशोधित और कोडिफाइड करने के लिए 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को अपना लिया गया। यूरोपीय देशों और अमेरिका के पास एक सेकुलर कानून है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, फिर चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। इस्लामिक देशों में शरिया पर आधारित एक समान कानून है जो सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। सपोर्ट में कही जा रही ये बातें हैं कुछ जो आपको समझना चाहिए। अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ खत्म होने से कोर्ट पर बोझ कम होगा, कुछ कॉम्प्लेक्स लॉज काफी इजी हो जाएंगे, इंक्लूडिंग मैरिज इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन। धर्म या पर्सनल लॉज के बेसिस पर भेदभाव खत्म होगा, महिलाओं और माइनॉरिटीज को समान अधिकार और सुरक्षा मिलेगी, तीन तलाक जैसे रिलीजियस कस्टम्स खत्म होगी। प्रोटेस्ट में क्या बातें कही जा रही है जो कि आपको समझना चाहिए, जिससे आपको भड़कना नहीं चाहिए। UCC से रिलीजियस फ्रीडम का वायलेशन होगा, पर्सनल लॉज अफेक्ट होंगे, सभी धर्मों पर हिंदू पर्सनल लॉ लागू करने के आरोप लगेंगे, रिलीजियस फ्रीडम इक्वालिटी और प्रोपोगेंडा के नाम पर फिर डिबेट शुरू हो जाएंगे। भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 जो किसी भी धर्म को मानने और प्रचार की स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करना है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में निहित समानता की कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है। साउथ के और वेस्ट के स्टेट में हिंदू समाज में कई रिवाजों में कुछ डिफरेंस है, जैसे उत्तर में रिश्तेदारों के बीच विवाह नहीं होते हैं, लेकिन दक्षिण में इसे शुभ माना जाता है, जैसे दक्षिण में मामा भांजे का विवाह होता है, ऐसे में इक्वालिटी कैसे आएगी। इसी तरह नागालैंड मेघालय और मिजोरम की स्थानीय रीति रिवाजों के संविधान द्वारा सुरक्षा दी गई है, ऐसे में इक्वालिटी कैसे आएगी। UCC नहीं बनने पर सुप्रीम कोर्ट जता चुका है निराशा। देश की टॉप अदालत की ओर से भी कई बार कहा गया है कि देश में अलग अलग पर्सनल लॉ की वजह से कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2019 में निराशा जताई थी कि देश में UCC लागू करने के लिए कोई ठोस कोशिश नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी किसी ने याचिका लगाई हुई है। एक्टिविस्ट अश्विनी उपाध्याय ने UCC लागू कराए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। उनका कहना है कि देश एक संविधान से चलता है, एक ऐसा विधान जो सभी धर्मों और संप्रदायों पर एक समान लागू हो। देश में धार्मिक आधार पर अलग अलग कानून नहीं होते हैं। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड अनिवार्य तौर पर होना चाहिए। अगर इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।